हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज के एडिटोरियल देख लेते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल है अनवेवरिंग कॉशन। तो इसमें अभी रिसेंटली जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने फिर से डिसीजन दिया है। तो यहाँ पे फिर से उन्होंने जो है रेट्स चेंज नहीं किए हैं, तो ये आर्टिकल उस पर बेस्ड है। यहाँ पे सेकेंड आर्टिकल है आइलैंड होपिंग। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि चाइना और मालदीव्स के बीच में जो है एक FTA, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इंडिया जो है, हालांकि इंडिया ने इस पे कुछ रिस्पांस नहीं किया है, बट इंडिया जो है थोड़ा सा चिंतित तो है ही, कंसर्न है। क्यों? क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है ऑलरेडी इंडियन ओशन पे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो चाहे वो जिबूटी हो, चाहे वो हम्बनोटा हो, तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन में वो बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इंडिया जो है कंसर्न्ड है। तो वही कंसर्न यहाँ पे डिस्कस किए हैं। यहाँ पे है लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट यूएनएससी, ठीक है। तो अभी आपने कुछ दिन पहले तो सुना ही है न्यूज़ में कि हम अब जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अब एक जज जो है, एक इंडियन जज भी है अब, ठीक है। तो जैसे दलवीर भंडारी जो इलेक्ट हो गए थे इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिया हुआ है कि इंडिया बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि यूएनएससी में जो है उसको एक परमानेंट सीट मिले, परमानेंट सीट मिल जाए, ठीक है। लेकिन बहुत टाइम से जो है मिल नहीं रही हमें। तो यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई कि क्या अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, हमारे पास बाकी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं और, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको हमें काफ़ी अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी बात यूएनएससी की आती है तो वो इम्पॉर्टेंट तो होता है, ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो अभी आपने जैसे कुछ दिन से आप सुन रहे होंगे कि मैक्स हॉस्पिटल को लेके काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, कि मैक्स हॉस्पिटल में क्या कि एक बच्चा जो, एक छोटा बच्चा जो जिंदा था उसको डेड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और प्लास्टिक में रैप करके जो है पेरेंट्स को पकड़ा दिया। तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की जो है कितनी हालत ख़राब है, यहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। यहाँ पे एक्सेस, क्वालिटी और कॉस्ट को लेके जो है ये सब चीज़ें, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस जो हैं बताए गए हैं यहाँ पे। तो ये आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे है रिकॉग्नाइज द टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट। तो जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना होगा डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को के लिए जो अभी कमिटी बनी है, बीएन श्री कृष्णा जिसको चेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी कि वाइट पेपर जो है उन्होंने रिलीज किया है, और पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, ठीक है, पब्लिक कमेंट्स के लिए, मतलब सारे वेरियस स्टेक होल्डर्स को जो है एक उनकी सलाह मशवरा करके जो है एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाने के लिए, ठीक। तो ये आर्टिकल वैसे हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज के लिए ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो इसको जो है मैं कल, इसमें अगर कुछ है तो मैं उसको कल डिस्कस करूँगी, ठीक है। ये आर्टिकल जो है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस 1 नवंबर 15 को आई थिंक लेबलिंग वर्सेस आउटकम करके एक आर्टिकल था स्वच्छ भारत मिशन पे, ठीक है। तो बस उसी को क्रिटिसाइज किया, मतलब उसी की फिगर्स को उस पे ही कमेंट किए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको स्किप कर रहे हैं टोटली। यहाँ पे ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आजकल आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड। तो यहाँ पे जो है मशीन लर्निंग, एआई एंड मशीन लर्निंग, तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ये यहाँ तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इस मैंने कोशिश करी कि मैं अच्छे से यहाँ पे समझा पाऊँ, ठीक है। तो इसको भी हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे ये जो डेटा पॉइंट दिया है, ये बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें बताई हैं। तो सिर्फ इस आर्टिकल को जो है हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे है अनवेवरिंग कॉशन। तो जैसे कि मैंने बोला कि मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है, आरबीआई की, तो अभी उन्होंने क्या है फिर से चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही सब दिया गया है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है एमपीसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है, और प्राइस स्टेबिलिटी,
अगर इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब अगर एक इन्फ्लेशन विद इन लिमिट रहेगा, ठीक है, तो प्राइस स्टेबल अपने आप रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात की गई, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ ऑप्टेड येट अगेन टू कीप इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो देखो अब इसमें ना बहुत कुछ है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एमपीसी क्या है। जिनको नहीं पता है, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है और जिनको नहीं पता है कि भाई एमपीसी है क्या, ठीक है, तो उनके लिए समझना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं उनके लिए बता देती हूँ कि पहले क्या होता था कि पहले इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह वगैरह। तो पहले क्या होता था, ये सब डिसाइड करने के लिए जो है फाइनल डिसीजन होता था आरबीआई गवर्नर का। ठीक है, एमपीसी बनने से पहले जो है फाइनल डिसीजन होता था आरपीआई गवर्नर का इंटरेस्ट रेट्स पे। ठीक है, और उस उनके साथ होती थी एक टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी, ठीक है, जिसमें आरबीआई गवर्नर चेयरमैन होते थे, डिप्टी गवर्नर जो है वो वाइस चेयरमैन होते थे, और बाकी के अदर 3 डिप्टी गवर्नर, ठीक है, वो मेंबर्स होते थे। तो ये टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी होती थी, आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर एंड अदर 3 डिप्टी गवर्नर्स। तो अब इसमें क्या होता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते थे, ठीक है, बट द गवर्नर हैड ओवरराइडिंग पावर्स। लेकिन गवर्नर के पास जो है ओवरराइडिंग पावर्स होती थी, तो फाइनल डिसीजन जो होता था वो आरबीआई गवर्नर का होता था। ठीक है, और ये जो टीएसी यानी कि टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी थी, ये एडवाइजरी नेचर, सिर्फ एडवाइस दे सकती थी, तो एडवाइजरी नेचर की थी और इसमें कोई वोटिंग नहीं होती थी, नो वोटिंग। ठीक है, तो अब 2015 में क्या हुआ कि आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया। ठीक है, एमपीसी, सॉरी, एमपीसी जो सेटअप की गई है वो 2015, पहले पहले आरबीआई एक्ट को जो है अमेंड किया गया, और दोनों आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये हुआ था Feb 20, 2015 को। ठीक है, उसके बाद जब आरबीआई एक्ट अमेंड हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है एमपीसी सेटअप की गई थी 2015 में। उसके बाद यहाँ पे इसकी रिकमेंडेशन जो है किसने दी थी, उर्जित पटेल कमेटी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, उर्जित उर्जित पटेल कमेटी रिपोर्ट ने ही इसको रेकमेंड किया था। उसके बाद जो है 2015 में एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो सेटअप की गई थी। अब ये किसके लिए है, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए है, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे कंट्री में, सिक्योर रहे उसके लिए है, एंड टू एंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और यहाँ पे सॉरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड टू एंश्योर द एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो प्राइस स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड टू एंश्योर द एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट। उसके बाद अब इसमें कंपोजिशन में देखें अगर, तो ये क्वेश्चन अभी आई थिंक इस साल आया था कि इसमें एमपीसी में कितने मेंबर्स हैं, तो टोटल होते हैं 6 मेंबर्स। ठीक है, 3 होते हैं आरबीआई से और 3 होते हैं जो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं वो, ठीक है, इनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। आरबीआई गवर्नर, हर मेंबर के पास एक वोट होता है, आरबीआई गवर्नर के पास जो है वो कास्टिंग वोट होता है, अगर कोई इन केस ऑफ टाई, ठीक है, तो उनके उसके पास जो है आरबीआई गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है। उसके बाद यहाँ पे डिसाइड, जब भी रेट्स डिसाइड होते हैं तो उससे 2 दिन पहले जो है मीटिंग होती है, 2 days before, ठीक है, और साल में कम से कम जो है 4 times एटलीस्ट इनकी मीटिंग होती है। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ बेसिक एमपीसी के बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें यही है कि इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई है उसके उसने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो चेंज नहीं किए हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्यों चेंज नहीं किए हैं ये भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टाइम जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है इंडिया की, उसको देख लेते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हाई कमोडिटी प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन हमारा बढ़ता जा रहा है, आई थिंक 3.58%, 58%, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे फिस्कल स्लिपेज, ये सबने ही पढ़ा होगा फिस्कल स्लिपेज के बारे में। ये हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है जब एक्सपेंडिचर जो है ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू से, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू से, तो फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट जो है, जो हमने टारगेट बनाया था, उसका 96.1% ऑलरेडी कवर हो चुका है, ठीक है। तो और अभी जो है सेकेंड क्वार्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक। तो उसके बाद जीएसटी रिलेटेड डिसरप्शंस, तो जीएसटी रिलेटेड डिसरप्शंस क्या हैं, देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे है सेवन्थ पे कमीशन, सेवन्थ पे कमीशन के चलते जो सैलरीज वगैरह में इंक्रीज हुआ है, तो वो भी तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। फिर यहाँ पे फार्म लोन वेवर्स, ठीक है। तो जो कुछ स्टेट्स ने फार्म लोन वेवर्स किया है, फॉर एग्जांपल यूपी, ठीक है। तो और उसके बाद जो आजकल ग्लोबल मार्केट में ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो हायर ऑयल प्राइसेस। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक का जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और है कि शॉर्टफॉल इन खरीफ क्रॉप आउटपुट, ठीक है। अब इसमें से और भी, अब इनके सब पार्ट्स भी हैं, देखो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि फूड प्राइसेस वगैरह में भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो ये है कि 2014 में इंडिया ने जो है स्टार्ट किया था सीपीआई को, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जो है, मतलब इसको, इससे इन्फ्लेशन मेजर करना शुरू किया था। पहले हमारा WPI से होता था, अब जो है CPI से होता है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हमारा, फिस्कल स्लिपेज का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है हमारा, जो फिस्कल डेफिसिट है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, लो रेवेन्यू, लो रेवेन्यू रियलाइजेशन। अब जीएसटी डिसरप्शन क्या है, देखो यहाँ पे इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो है डिले इन टैक्स क्रेडिट, ठीक है। दूसरा है गवर्नमेंट जैसे जीएसटी रेट्स कम कर रही है, ठीक है। अभी 200 प्रोडक्ट्स के जीएसटी रेट गवर्नमेंट ने कम करी है, कम करे हैं 23rd जीएसटी काउंसिल में, ठीक। उसके बाद सेवरल गुड्स एंड सर्विसेज के जो जीएसटी रेट्स कम करें, तो उसके बाद यहाँ पे जो है टैक्स फाइलिंग में डिले, डिले इन टैक्स फाइलिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये टेक्नोलॉजिकल इशू है, ठीक। तो ये तीन चीज़ें जीएसटी रिलेटेड डिसरप्शन के अंदर, ये तीन चीज़ें हैं। डिले इन, अगर यहाँ पे ज़्यादा खिचड़ी पक गई है तो आप इसको लिख भी सकते हैं, डिले इन टैक्स क्रेडिट, ठीक है। डिले इन रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ और रिडक्शन इन जीएसटी रेट्स फॉर सेवरल गुड्स एंड सर्विसेज, सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज डिले इन टैक्स फाइलिंग एंड बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज, ठीक है। सेवन्थ पे कमीशन में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आई थिंक। फार्म लोन वेवर्स, तो ये मैं पहले के आर्टिकल्स में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि फार्म लोन जब कोई स्टेट गवर्नमेंट वेव कर देती है, तो उससे जो है हमारी इकोनॉमी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। हायर ऑयल प्राइसेस, तो ये तो ग्लोबल मार्केट में जैसे आप देख ही रहे हो कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और पार्ट है इसका, वो ये है कि पार्शियल रोल बैक ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, या बोल सकते हो एक्साइज ड्यूटी कट, ठीक है। एंड वैल्यू एडिड टैक्स इन केस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक हालांकि है, बट एक चीज़ और यहाँ पे बोलूँगी मैं कि आरबीआई ने इसको जो है सपोर्ट किया है। अभी पॉजिटिव वाले भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आरबीआई ने इसको जो है पॉजिटिव भी बताया है। शॉर्टफॉल इन खरीफ क्रॉप आउटपुट, ये तो है ही।
तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस हैं इस टाइम इंडियन इकोनॉमी में। तो एक तो यही रिकैपिटलाइजेशन को आरबीआई ने एक पॉजिटिव स्टेप बताया है। सेकंड जो है, हालांकि अभी क्वार्टर टू की जीडीपी ग्रोथ में इंक्रीज देखा गया है, ठीक है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में, जिसका मतलब ये है कि इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी जो है, एक डिमांड में अब इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तभी मैन्युफैक्चरिंग में जो है इंक्रीज देखा गया है, ठीक है। और उसके बाद रिकैपिटलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं कुछ, जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, देन देर इज जीएसटी, और फिर उसके बाद रियल इस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट है एक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में है, ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। इस आर्टिकल में और कुछ, हाँ एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आरबीआई ने जो है, जैसे आरबीआई का पहले इन्फ्लेशन टारगेट था 4.2 to 4.6, ये था कि इन्फ्लेशन मेंटेन करना था 4% पे ±2%, ठीक है। ये आरबीआई ने अभी इसको रिवाइज कर दिया थोड़ा सा, 10 BPS से इसको रिवाइज करके अब हो गई है इसकी रेंज 4.3 to 4.7। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जितना भी पिंक में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। आरबीआई रेज्ड इट्स एस्टिमेट फॉर इन्फ्लेशन ओवर द थर्ड एंड फोर्थ फिस्कल क्वार्टर बाय 10 बेसिस पॉइंट। ये जब एमपीसी बनी थी और ये सब हुआ था, तो उस टाइम पे ये टारगेट रखा गया था आरबीआई का, ठीक है। तो आरबीआई ने उसको थोड़ा सा रिवाइज करके जो है 10 बेसिस पॉइंट से उसको रिवाइज कर दिया है। फ्रॉम इट्स अक्टूबर प्रोजेक्शन हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन इज नाउ एक्सपेक्टेड टू एक्सलरेट एंड रेंज बिटवीन ये 4.32 and 4.7 इन सेकेंड हाफ, ठीक है। तो Q3 and Q4 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, बाकी ये सब मैंने आपको बता दिया है कि इम्प्रूवमेंट इन डिमांड्स इन सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, अपटी ईज एंड डूइंग बिजनेस आ गया यहाँ पे, अपटिक इन ओवरऑल, हाँ ये भी एक पॉइंट छूट गया था यहाँ पे, ईज एंड डूइंग पॉजिटिव में, ईज एंड डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। फार्म लोन वेवर्स का बोल दिया, पार्शियल रिडक्शन, वैट, जीएसटी रेट कट, फिस्कल स्लिपेज, तो ये सब चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, आइलैंड होपिंग। तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे चाइना और मालदीव्स के बीच में एफटीए साइन हो गया है, तो इंडिया को इससे कुछ कंसर्न है, देयर आर रीजंस फॉर इंडिया टू वरी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अभी अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो है अब्दुल्ला यामीन की, ठीक है। और अच्छा, इंडिया के कंसर्न क्या है वो देख लेते हैं। पहले इंडिया है, तो द यामीन गवर्नमेंट ऑल्सो सेड दिस वीक दैट इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ एफटीए विद इंडिया। इंडिया के साथ जो एफटीए था उसमें उसके मतलब हमारे साथ काम करने में जो है दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो एनीवेज, तो इसको न्यू दिल्ली में डिस्कस, मतलब डिटेल में डिस्कस करेगी ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट। सेकंड, द मैनर इन विच एफटीए वाज रश्ड थ्रू इन पार्लियामेंट ओवरनाइट जो है इसमें डेवलपमेंट देखी गई। तो यहाँ पे इन मैटर ऑफ मिनट्स एट मिडनाइट विद ऑपोजिशन मेंबर, मतलब वहाँ के ऑपोजिशन मेंबर ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें तो ठीक से नोटिस ही नहीं मिला, ठीक है। सजेस्ट अ हेस्ट, जल्दबाजी में, हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, दैट वुड नेचुरली वरी इंडिया, मतलब जल्दी जल्दी में जो है ये एफटीए साइन करवाया गया है या करा गया है, ठीक है, मतलब जल्दबाजी में। थर्ड पॉइंट इज कि द मूव ऑल्सो शोज दैट यमीन गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लाइंड टू पे मच हीड टू इंटरनेशनल कंसर्न ओवर इंटरनल अनरेस्ट। एक वहां पे एक मतलब इनकी अपनी इंटरनल अनरेस्ट भी इनका चलता रहता है, यहाँ पे रेडिकलाइजेशन की भी कई बार बात हुई है मालदीव्स में, ठीक है। वन रीजन फॉर मिस्टर यामीन कीपिंग इंडिया आउट ऑफ द लूप ऑन ऑन एफटीए टॉक मे बी न्यू दिल्ली इज न्यू पॉलिसी। अब इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से देखो, न्यू दिल्ली इज न्यू पॉलिसी ऑफ इंगेजिंग विद मालदीवियन ओपोजिशन
स्पेशली फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नासीद। क्यों इंपॉर्टेंट है बताती हूँ, ये हैं अब्दुल यामीन, ठीक है, ये हैं मोहम्मद नासीद, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट है और ये करंट प्रेसिडेंट है। 2008 से 12 तक ये प्रेसिडेंट थे और फिलहाल ये हैं। तो कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुई थी, ये इनकी इंटरनल डिसरप्शन है, प्रोटेस्ट हुई थी जिसमें ऑपोजिशन मेंबर्स थे प्लस आर्मी एंड पुलिस फोर्सेस ने जो है काफ़ी सपोर्ट किया इस प्रोटेस्ट को। देन जो है मोहम्मद नासीद, ये मैं आपको ब्रीफ में बता दे रही हूँ छोटा सा यहाँ पे कि क्या क्या हुआ है। तो फिर मोहम्मद नासिद ने जो है रेजिग्नेशन दे दिया 7 फेब 2012 को। नेक्स्ट डे उन्होंने ये बात बोली कि मैंने गन पॉइंट पे जो है ये रेजिग्नेशन दिया है, ठीक है। तो कुछ कुछ जिम्बाब्वे जैसी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट वैसी है नहीं, बस सिचुएशन सरकमस्टांसेस थोड़ी सी ऐसी लग रही हैं। तो इन्होंने बोला कि मैंने जो है गन पॉइंट पे रेजिग्नेशन दिया है क्योंकि मिलिट्री और पुलिस ऑफिसर्स जो हैं मतलब उन्होंने गन रखी हुई थी। तो नेक्स्ट डे और फिर उसके बाद मार्च 2015 को जो है इनको मतलब इनको एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ मालदीव्स के अंडर जो है इनको कन्विक्ट किया गया। तो देखो ये तब की फोटो है, ऐसे कभी शायद ही किसी प्रेसिडेंट को जो है इस तरह से ड्रैग करके ट्रायल के लिए ले जाया गया होगा, कन्विक्शन के लिए ले जाया गया होगा। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का शिकार, मतलब शिकार, सॉरी शिकार नहीं शिकार, तो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का काफ़ी ज़्यादा हुआ था इस पे, इस पिक्चर पे। तो उस टाइम पे इन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी थी बट इंडिया ने उस टाइम पे डिनाई कर दिया था ये बोल के कि मालदीव्स जो है हम इंटरनल मैटर में नहीं बोलेंगे, ये मालदीव्स का इंटरनल मैटर है, ठीक है। तो उसके बाद इनको 13 साल की सज़ा सुनाई गई थी और इनका जुर्म क्या था वो ये था कि इन्होंने एक क्रिमिनल कोर्ट जज को अब्दुल्ला मोहम्मद, जब ये प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने उनको जो है उस क्रिमिनल कोर्ट जज को अरेस्ट करवा दिया था, ठीक है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, ये कोई तरीका नहीं है एक फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ डील करने का, ठीक है। तो यहाँ तक कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसने ये बात बोली थी कि दिस कन्विक्शन इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो ये इनका थोड़ा सा है। 2016 में जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की, इनके स्पाइन से रिलेटेड समथिंग कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो 2016 में इनको यूके ने असाइलम ग्रांट कर दिया है। तो फिलहाल ये यूके में ही है, ठीक है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। अब यहाँ पे यही चीज़ है, ये जो मैंने तो यहाँ पे यही लिखा है कि वन रीजन फॉर कीपिंग मिस्टर यामीन कीपिंग इंडिया आउट ऑफ लूप ऑन द एफटीए टॉक्स मे बी न्यू दिल्लीज़ न्यू पॉलिसी ऑफ इंगेजिंग विद मालदीवियन ओपोजिशन, ठीक है, स्पेशली फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नासीद। द बिगेस्ट वरी फॉर इंडिया इज दैट एफटीए विल ड्रॉ द मालदीव्स मोर क्लोजर इनटू चाइना सिक्योरिटी नेट, ठीक है। तो चाइना तो अपनी प्रेजेंस, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात मैंने पहले भी की हुई है, ठीक है। तो चाइना वैसे भी अपना इंडियन ओशन में इन्फ्लुएंस बना ही रहा है, श्रीलंका है, श्रीलंका में हम्बनोटा पोर्ट है, फिर वहाँ कल या परसों हमने जिबूटी, परसों शायद हमने जिबूटी भी देखा था, ठीक है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो उसके बाद जो है अब मालदीव्स में भी इनका हो गया, हालांकि मालदीव्स ने ये बात बोली है कि हम डीमिलिट्राइज्ड जोन रहेंगे हमेशा, लेकिन जो है पीएलए नेवी या चाइना की नेवी है माइट बी लुकिंग फॉर अ मिलिट्री बेस इन द आइलैंड्स लिंक्ड टू प्रोजेक्ट्स इन दिबूटी, ग्वाडार हो गया, हम्बनोटा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। चाइनाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन इंडियन ओशियन प्रेजेंट अ चैलेंज टू इंडिया एज इट लुक्स टू डिफाइन इट्स प्लेस इन यूएस लेड इंडो पैसिफिक रीअलाइनमेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट यूएनएससी। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के जो दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बोल सकते हैं, तो वो है यूएनएससी एंड यहाँ पे है आईसीजे,
ठीक है, तो यूएनएससी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पे एक इंडियन जज प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे जो है, जो अभी अभी रिसेंटली दलवीर भंडारी, बता चुकी हूँ ये मैं, यूएनएससी में जो है 15 मेंबर स्टेट्स हैं और इसमें 15 जजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूएनएससी में हमें चाहिए, मतलब इंडिया क्या चाहता है यहाँ पे, कि परमानेंट सीट मिल जाए इंडिया को। ठीक है, परमानेंट सीट जो है फिलहाल सिर्फ सिर्फ 5 नेशंस को मिली हुई है। ठीक है, तो और 10 जो है वो नॉन परमानेंट हैं। तो इंडिया चाहता है कि इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाए। ठीक, उसके लिए जो है यूएनजीए में इलेक्शन विथ 2/3 मेजोरिटी। तो अभी आपने देखा होगा कि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये सब इश्यू चल रहा था, तो ऑलरेडी हमारी जो यूएन जीए में जो हमारे कैंडिडेट को जो सपोर्ट मिला था, तो ऑलमोस्ट, मतलब बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से नहीं, बट ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी जो है मिल ही गया था। ठीक है, थोड़ा सा हाथ पैर और मारते तो 2/3 मेजोरिटी पूरी पूरी तरह से मिल जाता। ठीक है, तो ये कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे और है कि देखो, अगर हम यूएनएससी में अगर परमानेंट सीट मिल जाती है, यूएनएससी जो है आईसीजे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर यूएनएससी, देखो अब आईसीजे में जैसे मतलब इंडियन जज हैं तो ठीक है, इस वजह से नहीं, क्योंकि इंडियन जज जो है आईसीजे में है, एक जज वो इंडियन भी हैं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा केस एक्सीलेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कुलभूषण केस, कुलभूषण जाधव केस की। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि हमारा केस जो है वो एक्सीलेंट है और उसको जो एमिनेंट लॉयर्स हैं वो प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए चांसेस हैं। और यहाँ पे जो है यूएनएससी में अगर इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाती है, तो कश्मीर इशू, ठीक है, और यहाँ पे हाफिज सईद वाला मैटर, ठीक है, तो इसमें जो है कुछ फर्दर डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं। तो ये चीज़ें इस आर्टिकल में भी बोली गई हैं। और इसमें क्या है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि अगर यूएनएससी में अगर हमें सीट चाहिए, तो उसमें यूएनजीए में इलेक्शन 2/3 मेजोरिटी से होना चाहिए। आईसीजे का जैसे हमने पढ़ा था, तो उसमें जो है यूएनजीए और यूएनएससी दोनों में ही एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये आईसीजे का केस है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब इसके बाद इस आर्टिकल में बोला गया है, लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट यूएनएससी। ठीक है, कि अगर परमानेंट सीट अगर हमें नहीं मिल रही है, तो हम कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जो हैं वो देखते हैं कि बाकी के क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। उसी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में बताया है, एक तो है ACABQ, ठीक है, एडवाइसरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन। तो 16 मेंबर्स हैं इलेक्टेड बाय यूएनजीए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 5th कमिटी ऑफ यूएनजीए डीलिंग विद बजट ऑफ यूनाइटेड नेशन। उसके बाद द मेंबर्स आर ऑफिसर्स ऑफ परमानेंट मिशंस सर्विंग ऑन 5th कमिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि वो पर्सनल, जो एक पर्सनल कैपेसिटी में काम करते हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो किसी मेंबर, मतलब किसी मेंबर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस तरह से काम नहीं करते, वो पर्सनल कैपेसिटी में यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कमिटी ऑन कंट्रीब्यूशन, एक सेकंड ऑप्शन है ये फर्स्ट था, ये सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, रेकमेंड द स्केल ऑफ असेसमेंट टू बजट्स एंड द शेयर ऑफ ईच मेंबर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, सिंस द शेयर डिसाइडेड बाय यूएनजीए अप्लाइज टू ऑल स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। तो अगर 0.1% का भी चेंज होता है, तो दैट कैन मेक अ डिफरेंस ऑफ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे इंडिया अपनी प्रेजेंस जो है बना के रख सकता है। तो यहाँ पे ऐसे है, ये चीज़ दी हुई है कि वी हैव डिस्टिंग्विश्ड पर्सन सर्विंग ऑन बोथ ऑफ दीज कमिटीज। तो अभी फिलहाल जो करेंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अम्बेसडर है सैयद अकबरुद्दीन रुद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन राइट काउंसिल्स। तो यहाँ पे इंडिया की कॉन्टिन्यूस रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, इंडिया की यहाँ पे ह्यूमन राइट काउंसिल में चलो है रिप्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी बात है,
बट यहाँ पे जो म्यांमार में रोहिंग्या क्राइसिस हुई और इंडिया ने जिस तरह से एक बढ़ चढ़ के नहीं कुछ अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, ठीक है, तो ये आर्टिकल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। यहाँ पे देखो चाइना आगे आ गया इसकी इस चीज़ में, और म्यांमार और बांग्लादेश को साथ में बैठा के रिपेट्रिएशन डील जो है साइन हो गई, ठीक है। यहाँ पे इंडियाज़ बिड फॉर यूएनएससी, अब इंडिया चाहता है यहाँ पे यूएनएससी में परमानेंट सीट। तो इंडिया के साथ साथ और कौन है, G4 कंट्रीज, तो इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, ठीक है। हैज़ प्रपोज एन इंक्रीज ऑफ 6 एडिशनल परमानेंट सीट्स, 6 परमानेंट सीट्स चाहते हैं कि एडिशनल हो, ठीक है, परमानेंट सीट्स, ठीक। तो उसमें से 2 जो हैं अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए, तो और वाजिब भी है, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, ठीक है। तो इससे जो है बाकी जो 4 कंट्रीज हैं वो सहमत भी हैं, पूरा पूरा इनको सहयोग है कि हाँ 2 सीट्स जो हैं वो अफ्रीका की होनी चाहिए। देन देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ राइट्स ऑफ एडिशनल मेंबर्स, ठीक है। तो कोई बोलता है कि एग्जिस्टिंग मेंबर्स से के बराबर ही होनी चाहिए ये राइट्स, जो एडिशनल मेंबर्स हैं उनकी जो राइट्स हैं वो एग्जिस्टिंग मेंबर्स के बराबर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज G4's इनिशियल पोजीशन वाज फॉर फॉर द सेम राइट्स एज द प्रेजेंट परमानेंट मेंबर्स, इस एसेंशियली द वीटो राइट। तो लेकिन पहले ये इनिशियल पोजीशन थी, लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद जो है उन्होंने बोला कि भैया परमानेंट सीट ही दे दो, वीटो राइट दो ना दो पर सीट तो दे दो कम से कम, बट वो भी नहीं हुआ अभी तक। फिर यहाँ पे एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि P5 आर नॉट विलिंग टू डाइल्यूट देयर सेल्फ एक्वायर्ड राइट, ठीक है। तो जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं वो चाहती ही नहीं है कि उनका जो ये वीटो पावर है ये डाइल्यूट हो जाए, ठीक है, कि और कोई एडिशनल मेंबर आए तो वो भी एक्सरसाइज करे वीटो पावर्स, तो ये लोग चाहते नहीं है। उसके बाद P5 विल नेवर एग्री टू गिव अप देयर वीटो राइट, नॉर विल दे एग्री टू अकॉर्ड दिस राइट टू एनी अदर कंट्री, ठीक है। फ्रांस, हाउएवर, फ्रांस सपोर्ट्स वीटो फॉर एडिशनल परमानेंट मेंबर्स। ऑल्सो द जनरल मेंबरशिप ऑफ यूएन, देखो यहाँ पे ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जनरल मेंबरशिप ऑफ यूएन वॉन्ट्स टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग वीटो, ये तो चाहता है कि मतलब ये जनरल मेंबरशिप ऑफ यूएन ये तो मतलब चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग वीटो ही खत्म हो जाए, ठीक है। दे विल नेवर एग्री टू न्यू वीटो बिल्डिंग पावर्स। तो वेरिएंट्स ऑफ, तो इसके कुछ और ऑप्शंस भी बताए मतलब सजेस्ट किए गए हैं कि डबल, ये है रिक्वायरमेंट ऑफ डबल वीटो। अब डबल वीटो क्या है ये याद रखने वाली बात है, कभी कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए। एटलीस्ट 2 परमानेंट मेंबर्स मस्ट एक्सरसाइज वीटो फॉर इट टू बी वैलिड, अगर 2 मेंबर्स ने वीटो एक्सरसाइज कर दिया तभी उसको वैलिड मानेंगे, तभी इसको बोलते हैं डबल वीटो, ठीक है। उसके बाद मैनी मेंबर स्टेट्स हैव बीन प्लेजिंग सपोर्ट फॉर आर एस्पिरेशन फॉर, तो बहुत सारी कंट्रीज, जब 2/3 मेजोरिटी जब ICJ इलेक्शन हो रहा था तब 2/3 ऑलमोस्ट करीब करीब 2/3 मेजोरिटी जब इंडिया के हक में थी, तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे मेंबर स्टेट्स हैं जो इंडिया को अपना सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज वेलकम एंड शुड बी अप्रिशिएटेड, इट वुड कम इन यूजफुल, अगर UNGA में कभी वोटिंग हुई तो तब ये हमारे काम आएगा। सेवरल P5 कंट्रीज हैव ऑल्सो अनाउंस्ड सपोर्ट, कुछ P5 कंट्री जैसे यहाँ पे USA है, ठीक है। द प्रिंसिपल P5 मेंबर अपोजिंग अस, तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइना तो कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है वो परमानेंट सीट में आ जाए, तो जो हमें सबसे ज्यादा अपोज कर रहा है वो चाइना ही है। उसके बाद इवन इफ अमेरिकन आर सिंसियर, तो USA जैसे सपोर्ट करता है बट फिर ये होता है कि ये बट विल स्टैंड बाय वन अनदर, जब जरूरत पड़ती है तो ये सारे एक दूसरे के साथ ही खड़े हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाइना जापान को सपोर्ट नहीं करेगा, G4 कंट्री में एक मेंबर जापान भी तो है, तो यहाँ पे चाइना कभी नहीं चाहेगा कि जापान जो है P5 में आ जाए, चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया P5 में आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं।
इंडिया को, मतलब यूएस चलो इंडिया को सपोर्ट तो कर रहा है, बट इंडिया कभी सॉरी यूएस कभी जापान को नीचे रख के जो है इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। यूएस पहले जापान को सपोर्ट करेगा, ठीक है? तो फर्स्ट प्रायोरिटी जापान, सेकंड प्रायोरिटी इंडिया होगी। तो ये भी यूएस के साथ भी केस है। अब यहाँ पे सो वी शुड बी रियलिस्टिक। तो भाई अब हमें रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। इफ़ अ परमानेंट सीट इज़ नॉट अवेलेबल देन देयर आर अदर प्रपोजल्स ऑन द टेबल लाइक द क्रिएशन ऑफ सेमी परमानेंट सीट्स, कि भाई कोई सेमी परमानेंट सीट्स ही क्रिएट कर दो, ठीक है? क्रिएशन ऑफ सेमी परमानेंट सीट्स अकॉर्डिंग टू विच, अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू विच मेंबर्स वुड बी इलेक्टेड फॉर 6 to 8 years एंड वुड बी एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन, ठीक है? तो अब इंडिया की जो प्रेस्टिज और रिस्पेक्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ रही है, इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर अस टू सक्सेसफुली बिड फॉर वन ऑफ दीज सीट्स। तो ये इस आर्टिकल में बोला गया था, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वैसे तो। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन। तो ये आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम हमारे हेल्थ केयर उसमें देखें तो बहुत सारी खामियां हैं, जैसे कि लैक ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। इसका जीता जागता उदाहरण जो है अभी फिलहाल जो मैक्स हॉस्पिटल में हुआ है, ठीक है? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, उसके बाद हाई मेडिकल बिल्स या कॉस्ट बोल सकते हो आप, ठीक? और इसी से क्योंकि इतने बिल्स इतने ज़्यादा होते हैं, तो ये किस में, मतलब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जब होता है तो इंसान जो है पॉवर्टी की ओर चला जाता है, इम्पोवरिशमेंट, पॉवर्टी, ठीक? उसके बाद यहाँ पे लार्ज सेक्शन ऑफ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, ठीक है? तो यहाँ पे जब कोई इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है तो प्राइवेट इंश्योरेंस, और एक होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड इंश्योरेंस, ठीक है? एक होता है प्राइवेट इंश्योरेंस, एक होता है एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड। एम्प्लॉयर का मतलब तो पता होगा सबको, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड इंश्योरेंस, ठीक है? तो ये जो है जिनको ये इंश्योरेंस मिलता है उनकी बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जिनको मिलता ही नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे आप बोलोगे कि नहीं नहीं गवर्नमेंट तो कितनी सारी स्कीम्स निकालती है इंश्योरेंस के लिए। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट फंडेड सोशल इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट फंडेड सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स जो हैं वो एडवांस्ड केयर को एक्सेस नहीं करती, ठीक है? एडवांस्ड केयर एक्सेस नहीं मिलता है। कुछ इसमें कोई फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं होती है। दूसरी चीज़, कुछ एक होता है कि ओनली फॉर्म्स पार्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, ठीक है? यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ जाए कभी प्रोलॉन्ग्ड आउट पेशेंट केयर की, तो कभी ऐसे कि जैसे मान लो कभी ऐसे नौबत पड़ जाए कि हाँ बहुत टाइम तक के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़े, तो उसमें थोड़ी ना गवर्नमेंट फंडेड इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स जो हैं वो काम करेंगी। तो प्रोलॉन्ग्ड आउट पेशेंट केयर, नो कवरेज फॉर दिस। उसके बाद यहाँ पे है देखा जाए तो इन एडिक्वेसी, इन एडिक्वेसी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक हेल्थ केयर, ठीक? उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो है हाई क्वालिटी एडवांस्ड केयर है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है, हाई क्वालिटी एडवांस्ड केयर का जो दावा करते हैं, वो सिर्फ एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। किस लिए कंपटीशन करते हैं? किस लिए? मेडिकल टूरिज्म के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ मेडिकल टूरिज्म जो है उनको मिले, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे सब कुछ प्रॉफिट लिंक्ड है, ठीक? उसके बाद जब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं,
अगर हम उनकी बात करें तो एक तो इनएडिक्वेसी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक हेल्थ केयर, ठीक है। दूसरा बात, जो अर्बन एरियाज में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, लो बजट, ठीक है, और लैक ऑफ मैनेजमेंट, लैक ऑफ मैनेजेरियल टैलेंट, या लैक ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो लो बजट, लैक ऑफ मैनेजमेंट, ठीक, ये सब चीज़ें। अब इसके बाद जो है, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें कि भाई क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे तीन चीज़ों में डिवाइड किया है, एक्सेस, क्वालिटी एंड कॉस्ट। तो थ्री मेजर इश्यूज आर इन्वॉल्व्ड व्हेन वी एक्सेस हेल्थ केयर, एक्सेस, क्वालिटी एंड कॉस्ट। तो ये एक्सेस है, क्वालिटी, कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें जो है, एक्सेस में बताया है कि एक्सेस का मतलब क्या होता है कि जो जहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है, जो बहुत ही दूर दराज गांव के इलाकों में रहते हैं, तो उनको हॉस्पिटल्स को वो एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनकी रीच में नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पे है, एक्सपेंड द नेटवर्क ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करो, और उसके लिए चाहिए आपको पब्लिक फाइनेंसिंग, उसके लिए आपको हाई पब्लिक फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है ज़्यादा हेल्थ पर्सोनल्स होने चाहिए, और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर एक ये है, ये भी सजेस्ट किया गया। लेकिन अगर आप अभी अब हमारी इकोनॉमी की कंडीशन देखो, तो आपको क्या लगता है, जिसका फिस्कल डेफिसिट जो है 96.1% ऑलरेडी कवर कर चुका है, क्या हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो अगर इसको इकोनॉमी के साथ इसको लिंक करो, तो क्या ये पॉसिबल है? उसके बाद जिस तरह से अभी जीएसटी का रेवेन्यू, जो हमने फर्स्ट आर्टिकल में जो भी चीज़ें डिस्कस करी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बात की है हाई पब्लिक फाइनेंसिंग की, तो वो पब्लिक फाइनेंसिंग कैसे होगी? उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है क्वालिटी की। तो क्वालिटी तभी आती है जब आप कुछ स्टैंडर्ड्स सेट होते हैं, और जब आप उसको रेगुलरली मॉनिटर करते हो, या आप उसको रेगुलेट करते हो, ठीक है, क्वालिटी तभी आती है। तो यहाँ पे जो है यही है कि साइंटिफिक एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं, साइंटिफिक एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, उसको जो है उसके साथ कंप्लाई किया जाए, ठीक है। और इसको जो है इसके इससे रिलेटेड अभी एक एक है, जैसे यहाँ पे क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, यहाँ पे मेंशन भी है, ये है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट इज अ गुड बिगनिंग इन मूविंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज टूअर्ड रजिस्ट्रेशन, एंश्योरिंग कंप्लायंस विद एसेंशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ इक्विपमेंट्स परफॉर्मेंस, अडॉप्टिंग स्टैंडर्ड मैनेजमेंट गाइडलाइंस, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड रिस्पेक्टिंग एनकोडेड पेटेंट राइट, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे, ये क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि क्वालिटी तभी होगी जब आप इसको रेगुलेट करेंगे एंड मॉनिटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे कॉस्ट की। तो कॉस्ट के लिए यहाँ पे वही है कि जैसे अभी हमारा जो अभी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है हेल्थ के लिए, ठीक है, हेल्थ केयर के लिए, तो आई थिंक 1.2% ऑफ जीडीपी है शायद, ठीक है, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। तो इसको जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में ये बात बोली गई है कि 2025 तक जो है इसको 2.5% ऑफ जीडीपी करना होगा, ठीक है, करना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि 2025 तक नहीं, इसको जो है 2019 यानी 2019 तक जो है इसको 2.5 करो। कॉस्ट के लिए बेसिकली ये बात बोली गई कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है हेल्थ केयर के लिए, उसको जो है इंक्रीज करो, साफ सीधी बात, ठीक है। ओके, और भी पॉइंट्स हैं लेकिन यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, कोई बात नहीं, और पॉइंट्स हैं तो वो देख लेते हैं एक बार। एक और यहाँ पे बोला है कि सिंगल पेयर हेल्थ केयर,
ठीक है। सिंगल पेयर हेल्थ केयर क्या होता है कि इसको एक सिंगल पब्लिक अथॉरिटी, सिंगल पब्लिक अथॉरिटी जो है, एक तरह से अलग-अलग मेथड्स होते हैं इसके, जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम फाइनेंस्ड बाय टैक्सेस, ठीक है, दैट कवर्स द कॉस्ट ऑफ एसेंशियल हेल्थ केयर सिस्टम फॉर ऑल रेसिडेंट। मतलब मान लो कि ये जो सिंगल पब्लिक अथॉरिटी ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट हुई, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है टैक्सेस का यूज़ करके सभी रेसिडेंट्स के लिए जितना भी एसेंशियल हेल्थ केयर है उसको कवर करे। बात समझ में नहीं आई तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे सिंगल पेयर हेल्थ केयर, ये एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे कैनेडा का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस या ऐसा जो भी है, तो उनके साथ जो है गवर्नमेंट ने अपना टाई अप कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है दोनों के बीच में, तो ये सिस्टम जो है कनाडा में फॉलो होता है। उसके बाद यहाँ पे एक और कंट्री है यूके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ही ओन करती है, गवर्नमेंट ही एम्प्लॉय करती है हेल्थ केयर पर्सोनल्स जो होते हैं, और गवर्नमेंट ही यहाँ पे रिसोर्सेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, यानी कि सिंगल पेयर हेल्थ केयर, ये यूके का एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट ही ओन करती है, गवर्नमेंट ही यहाँ पे एम्प्लॉय करती है हेल्थ केयर जो भी रिसोर्सेज हैं और जितने भी पर्सोनल्स वगैरह हैं, सब उनको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब ये है कि सारे जो टैक्सेस का यूज़ करके सभी रेसिडेंट्स के लिए एक सिंगल पब्लिक अथॉरिटी सभी एसेंशियल एसेंशियल हेल्थ केयर को प्रोवाइड करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल पेयर हेल्थ केयर की बात की हुई है। उसके बाद देखो, अगर अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स देखें, ठीक है, मतलब एक आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटल में जाता है, क्यों वो बीमार होता है उससे पहले की अगर सिचुएशंस देखें, ठीक है, और अगर इस आर्टिकल से निकल के सोचें, तो एक हो सकता है कि देखो यहाँ पे जो है जितने लोग इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं, पॉवर्टी से डील कर रहे हैं, उनके लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की जो मैं बात कर रही हूँ, जो ठीक है, तो ये सब चीज़ें कब होती हैं, जब जो गरीब सेक्टर है, जो जो जितना भी गरीब उसमें जो प्रोपोर्शन आता है पॉपुलेशन का, ठीक है, तो जॉब क्रिएशन चाहिए। अगर लोगों के पास जॉब होगी, अगर लोगों का जो है एक पर कैपिटा इनकम जो है बढ़ेगी, तो शायद वो शायद ये इसकी ज़रूरत ही ना पड़े और शायद वो अपना खर्चा खुद ही हैंडल कर सकें, ठीक है, इंश्योरेंस ले सकें, ठीक। और बहुत सारे लोग हैं जो इंश्योरेंस कवरेज के बाहर हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेगुलेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेगुलेशन किस में, मतलब प्राइवेट उसमें तो होना ही चाहिए, साथ में जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जो मैंने यहाँ पे बात की है कि लैक ऑफ मैनेजमेंट, ये जो मैंने बात की थी लो बजट एंड लैक ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे अगर ये चीज़ ठीक कर लें, अगर ये रेगुलेशन जो यहाँ पे ठीक हो जाए, ठीक है, एक ये चीज़ है। अभी एक ऐप आई है फार्मा सही दाम, तो सही दाम मतलब वो इसलिए कि प्राइसेस जो हैं मेडिसिन्स के ठीक ठाक मतलब चेक कर सके, आम आदमी चेक कर सके कि हाँ सही प्राइस पे दवाई मिल रही है कि नहीं, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेशन, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, मतलब मेडिकल साइंस में ही हमारे यहाँ रिसर्च इतनी नहीं होती है जितनी कि फॉरेन कंट्रीज़ में, US, UK, इन सब जगह पे जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है इंडिया में नहीं होती है। तो इस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर सकती है कि आप बाहर से जाके पढ़ के आओ, वहाँ से एजुकेशन लेकर आओ और यहाँ पे आके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करो। तो उस तरह की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फिर फैसिलिटीज़ भी चाहिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। वैसे भी आजकल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस कर रही है, तो R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद और जैसे कल हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स, ठीक है, स्टेट्स के लिए,
तो वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मैंने कल भी कहा था कि ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो हर स्टेट में, हर स्टेट जो है मेडिकल या हेल्थ केयर पे कितना ज़्यादा, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि एक्सपेंड द नेटवर्क ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर, ठीक है, तो कौन सा स्टेट कितना ज़्यादा काम कर रहा है पब्लिक हेल्थ केयर को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक, उसको उस बेसिस पे जो है फिर इंसेंटिव दिया जाए, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव में हेल्थ केयर को भी शामिल किया जाए, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से। उसके बाद न्यूट्रिशन तो ऑब्वियसली है, न्यूट्रिशन पर जो है फोकस किया जाए, तो ये सब चीज़ें तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, लिस्ट गोज ऑन, तो फिलहाल इस आर्टिकल को यहीं पे बंद करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें वहीं, यही दिया हुआ है, सिंगल पेयर हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि सिंगल पेयर हेल्थ केयर में ट्रांजिशन कर लेना चाहिए। उसके बाद ये सब चीज़ें वही हैं, सक्सेस ऑफ UHC यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव रेगुलेशन, यही बात यहाँ पे भी बोली हुई है, नाउ देयर इज डिसकनेक्ट बिटवीन दीज टू इन ऑन गोइंग हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म्स, ठीक, तो ये यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। यहाँ पे डेटा पॉइंट देख लेते हैं कि रीज़न क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, फोर्स्ड लेबर, प्रॉस्टिट्यूशन, अदर्स, अदर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, डोमेस्टिक सर्विट्यूड, फोर्स्ड मैरिज, परसेंटेजेस ऑफ केसेस फोर्स्ड लेबर का सबसे ज़्यादा है, पेटी क्राइम्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बैगिंग 0.31%, ड्रग पेडलिंग 0.03%, रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, तो इन 2016, ये NCRB की रिपोर्ट है, खिचड़ी के नीचे दब गई, तो इन 2016 अ टोटल ऑफ 23,117 पीपल वर ट्रैफिक्ड इन इंडिया, बाप रे 23,000 से ज़्यादा ही लोग जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए हैं यहाँ पे। इन मोस्ट केसेस द विक्टिम्स वर पुश्ड इनटू फोर्स्ड लेबर फॉलोड बाय प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, तो 45.46% ऑफ केसेस एंड 21.54, तो ये डेटा पॉइंट था। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मशीन लर्निंग, तो ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये है ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क की, ठीक है, ये है यूनिट जिससे ये न्यूरल नेटवर्क बना है, डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स, ये आपने पढ़ा होगा शायद साइंस की NCERT टेक्स्ट बुक में, अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ो। उसके बाद यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात हुई है, तो यहाँ पे तो बहुत, मैं सिंपल तरीके से बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि इंटेलिजेंस डिस्प्लेड बाय मशीन, जब कोई मशीन इंटेलिजेंस दिखाती है। अब यहाँ पे एक नेचुरल इंटेलिजेंस होती है, नेचुरल इंटेलिजेंस हर किसी के अंदर होती है, सारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, एनिमल्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है नेचुरल इंटेलिजेंस होती है। जब कोई बिल्ली कुत्ते से अपनी जान मतलब एक बचा के भागती है ना, तो दैट इज ऑल्सो नेचुरल इंटेलिजेंस, क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे खा जाएगा, भागो, ठीक, तो वो नेचुरल इंटेलिजेंस है। और जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे, एक अमरनाथ यात्रा से कुछ लोग वापस आ रहे थे, तो बस पे जो है, मतलब ये तो रियल लाइफ है, तो बस पे टेररिस्ट वगैरह ने गोली चलाई, तो जो बस का ड्राइवर है उसने एकदम से, मतलब उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक किया और उसने एकदम से स्पीड में बस भगाई, 1 किलोमीटर बाद जो है मिलिट्री का मतलब बेस वगैरह था, तो वहां पे जाके बस को रोका, तो वो जो उसने एकदम से जो उसके स्ट्राइक किया और उसने एकदम से बस भगाई, तो वो क्या, वो नेचुरल इंटेलिजेंस थी, ठीक है, उस टाइम उसको लगा कि हाँ, जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है और आप ऐसा कुछ डिसीजन लेते हो, ठीक है, तो दैट इज नेचुरल इंटेलिजेंस, तो वो इंसानों में भी होती है, वो जानवरों में भी होती है, तो ये चीज़ अब कहाँ से आती है, ये सब हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं इसकी वजह से आती है। ये मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है, तो अब यहाँ पे इस आर्टिकल में बात की है एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो जब ऐसी कोई इंटेलिजेंस मशीन डिस्प्ले करे,
कोई, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। और मशीन लर्निंग का मतलब क्या है? मशीन लर्निंग एआई का ही एक पार्ट है, ठीक। और इसमें मतलब ये कंप्यूटर साइंस की वो फील्ड है जिसमें कंप्यूटर्स जो है एक सेल्फ लर्निंग, इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, ठीक है। तो एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, मतलब उसको इस तरह से प्रोग्राम नहीं किया गया होता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ ऐसा डेटा सेट, कुछ उसके अंदर पहले से ऐसी इंफॉर्मेशन, इफ एंड देन सिचुएशन नहीं डाली होती है कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा करना है, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा नहीं, नहीं वो नहीं होता है, सेल्फ लर्निंग होता है, ठीक है। वो अपने आप सेल्फ लर्निंग करता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, ठीक है। तो जो बेसिक है, जैसे यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग मैंने बता दी है। यहाँ पे लिखा है द टर्म्स हैव कंसिडरेबल ओवरलैप, ठीक है। तो हमारे ब्रेन में जो है इस तरह का एक न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरॉन्स को, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये देखो हमारे ब्रेन में ये बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो ये आपने साइंस की बुक्स में पढ़ा भी होगा, न्यूक्लियस, न्यूरॉन और एक्सॉन्स टर्मिनल, ठीक। एक्सॉन ये न्यूक्लियस हो गया, डेंड्राइट्स हो गए, ये कनेक्ट कैसे होते हैं, देखो ये इस तरह से कनेक्ट होते हैं। एक्सॉन्स ऑफ प्रीवियस न्यूरॉन ये यहाँ पे आके कनेक्ट हो गए इस जगह पे, ठीक है। ये जो टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल है, वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया, ठीक। और ये जो है वो किसी और के डेंड्राइट से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो साइनैप्स और डेंड्राइट्स ये सब टर्म्स जो है साइंस में पढ़ी होंगी। न्यूरॉन सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, इसके साथ कोई एक्सॉन टर्मिनल आके कनेक्ट हो जाएगा और फिर जो है ये किसी और के डेंड्राइट के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ना हमारे ब्रेन में इस तरह से नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क। तो जब ऐसा ही कुछ हम मशीन में बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यूजिंग अप्रोचेस ऑफ डीप लर्निंग एन अप्रोच वेयर लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स आर हायरार्किकली अरेंज्ड टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से मतलब डीप लर्निंग में इस तरह का नेटवर्क हम बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब साइंटिस्ट वगैरह जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इन 1990s, तो वाया डेवलपिंग न्यूरल नेटवर्क हैड लेड मच ऑफ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड फॉर मशीन लर्निंग, नेमली वाया डेवलपिंग न्यूरल नेटवर्क। दिस इन्वॉल्व इन एसेंस रिवाइविंग अ फिलोसफी ऑफ डिजाइनिंग सर्किट्स टू स्टिमुलेट द वे न्यूरॉन्स कनेक्ट इन ब्रेन। इस तरह से बिल्कुल सिमिलर जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, उसी तरह से जो है कनेक्ट करने की, मतलब इसी तरह से न्यूरल नेटवर्क को डेवलप करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। वाया डेवलपिंग न्यूरल नेटवर्क, दिस इन्वॉल्व इन एसेंस रिवाइविंग अ फिलोसफी ऑफ डिजाइनिंग सर्किट्स टू स्टिमुलेट द वे न्यूरॉन्स कनेक्ट इन ब्रेन। तो बाकी ये सब यही है कि ये एक के साथ दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है, ये सब यही दिया हुआ है इसमें। और अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो ये जैसे मूवी देखी होगी आपने, टोनी स्टार्क वाली, आयरन मैन, ठीक है। तो आयरन मैन का एक दोस्त होता है वर्चुअल, जार्विस, ठीक है। तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, हाईली डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये एआई का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जैसे आके अगर उसको वो बोलता है वेकअप डैडीज होम, तो वो बोलता है वेलकम होम सर, अपने आप रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद ही अगर आपने उसके बाद एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी हो, तो पता चलेगा कि वही कितना भयानक रूप ले लेता है, ठीक है। तो इंडिया, अगर इंडियन बॉलीवुड में देखो तो रोबोट चिट्टी हमारा, ठीक। तो और उसके बाद यहाँ पे मशीन लर्निंग की जो मैं बात कर रही थी, तो अभी रिसेंटली अक्टूबर 21, 2017 में जो न्यूज़ आई थी, सेल्फ टॉट प्रोग्राम बीट्स ह्यूमंस एट गो गेम। तो ये गो गेम ये चाइनीज बोर्ड गेम है, ठीक है। तो सेल्फ टॉट प्रोग्राम, ठीक है, इसको पहले किसी
कुछ नहीं बताया गया है इस प्रोग्राम के बारे में। इसने स्क्रैच से शुरू किया, बिल्कुल जीरो से, कुछ नहीं पता है। खेलते 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 सेल्फ टॉट प्रोग्राम, मतलब एक एक स्टेज ऐसी है जहाँ पे इसने ह्यूमंस को ही बीट कर दिया उस गेम में। ठीक, तो बेसिकली ये था, ये कमाल है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो यहाँ पे है, मशीन कैन बीट ह्यूमन चैंपियंस ऑफ गेम्स दैट रिक्वायर कंप्यूटेशन एंड इंट्यूशन सच एज गो, गो गेम यानी कि। तो यहाँ पे ये चीज बोली गई है, लेकिन अ फ्यूचर वेयर मशीन बीट्स मैन इज नॉट अ रियलिटी येट। तो सब जगह नहीं। अच्छा, अब हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कि ये भी चीज है। देखो, हम इसको मेडिकल साइंस में यूज कर सकते हैं, ठीक, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वर्क में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी बोली भी गई हैं, कुछ लीगल केसेस के आउटकम प्रेडिक्ट करने के लिए, कैंसर पिकिंग आउट पॉसिबल कैंसर बायोप्सीज, ठीक है, राइटिंग प्रेस रिलीज, कंपोजिंग म्यूजिक, यहाँ तक कि म्यूजिक भी कंपोज करने में, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन सब जगह जो है, इंसान को मशीन हरा दे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अभी तक तो नहीं है, बाद का पता नहीं। तो ये थे आज के एडिटोरियल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।